किताब उसकी 6:10-11 बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 6:10-11 सो यह ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। सो आज मेरा बोलने का शीर्षक है परमेश्वर में मजबूत होना, परमेश्वर में बलवंत होना। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। क्योंकि आज परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर में हमें मजबूत और बलवंत होने की समय है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें मजबूत हो जाओ और बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इस दुनिया में जो भरमाने वाला, इस दुनिया में एक ताकत है जो शक्तिशाली है, इस संसार की ताकत। सो इसलिए खुदावन कहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, उससे भी तुम मजबूत बनो, परमेश्वर की ये दावा है। सो इसलिए प्रभु ने कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। परमेश्वर ने ये बातें हमें बताया गया ताकि भाई बहन, सो इस संसार में एक शैतान जो है, जो लोगों को हर समय परेशान में डालना, दुख में, मुसीबत में डालना उसकी काम है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मजबूत बनते जाओ। परमेश्वर इस समय मजबूत होने के लिए हरेक मसीह लोगों के, हरेक विश्वासियों को परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि और यह लिखा हुआ है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर ने बोला है हरेक शैतान के युक्तियों, अभी बाइबल क्या है कि बाइबल में हम दावा करते हैं कि शैतान की युक्तियां से हम अनजान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यह वचन दिया गया है, परमेश्वर ने यह ताकत दिया गया हम सब मसीह लोगों के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरी कुरिन्थी का किताब में, यदि 2:11 में हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अनजान शैतान की युक्तियों से अनजान न रहो, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें बताया गया, तुम्हें मैंने जानने की शक्ति दी गई है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि हम मजबूत हो न पाए, ताकि हम शक्तिशाली हो न पाए और उसकी हर एक हथियार को हम गिरा पाए। आज शैतान की हथियार क्या है? आपको डर ले आना, आपके जीवन में घबराहट ले आना, आपके जीवन में और निराशपन ले आना, दुखी ले आना, आपको ऐसा शैतान की हथियार है। हम समझते नहीं है बाकी का काफी समय, हम सोचते हैं कि चलो हमारे जीवन में परेशानी आ गया, हम बीमार दुखी हो जाते हैं, तकलीफ हो जाते हैं। आज शैतान की हथियार वो अब छोड़ रहा है, ताकि परमेश्वर कहता है कि इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, पहली पत्र उसका किताब उसकी 5:8-9 में परमेश्वर कहता है, 8 में कहता है सचेत रहो और जागते रहो कि गरजने वाले सिंह के समान जो तुम्हें फाड़ खाने के लिए, और किसको फाड़ खाने के लिए वो आ रहा है, परमेश्वर के वचन में प्रभु बता रहा है। अब किसको मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जागते रहो, सचेत रहो, ये बातें परमेश्वर ने बताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बातें बोली जा रहा है और परमेश्वर ये बातें हमें बता रहे हैं। सो इसलिए हमें आपको और मजबूत होने की जरूरत है, और डर की जो आत्मा हमारे जीवन में समा रहा है, और ये डर की आत्मा से हमें मजबूत होना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु में उसकी शक्ति में मजबूत होना है। हम अपने बल, अपने ताकत, अपने शक्ति में नहीं, परमेश्वर के शक्ति में। परमेश्वर का शक्ति क्या है? उसकी वचन है, उसकी वचन की ताकत। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब मूसा मर गया था और यहोशू था, और यहोशू अपने अपने जीवन में कहता था कि अब मैं तो जवान हूं, मैंने इतने लोगों को कैसे अगुवाई करना, तो परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन में, मूसा वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि तुम हिम्मत बांधो, तुम ढाढ़स करो, तू दृढ़ हो जा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि तू दाया नहीं मुड़ना, बाया नहीं मुड़ना, उसके वचन पर मनन करना, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को कहा। और वो जवान व्यक्ति जितना परमेश्वर के वचन में वो बने रहा, और परमेश्वर ने जहां जहां वो गया और वहां वहां उसको सफल किया गया। हालेलुया।
परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया, वो दृढ़ था परमेश्वर के वचन में, और यहोशू ने सारे इसराइलियों को अगुवाई करने में वो सक्षम रहा, सफल रहा। भाई बहन, आज आपको और मुझे यदि हम परमेश्वर के वचन में हिम्मत, साहसी और परमेश्वर में हम भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको मजबूत होने में, बलवंत बनाने में शक्तिशाली है। हालेलुया। सो भाई बहन, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपी 4:13 में लिखा हुआ है। सो हमने आज परमेश्वर में भरोसा करना है, परमेश्वर में अपने आंखें लगाना है, क्योंकि चाहे शैतान की चाहे जो भी हथियार हो, उसमें परमेश्वर ने हमें ऐसा हथियार दिया गया है कि हम उस हथियार को बात कर शैतान की युक्तियों को के सामने हम खड़े हो सकते हैं। आमीन। सो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमें ये बातें बता रहा है, जितने हम परमेश्वर में अपने आंखें लगाते हैं, उतनी ही हमारे ताकत, हमारी बल परमेश्वर होता है, उतने ही हमारे जीवन हम मजबूत और सामर्थ्यशाली होता है, हम कभी ना घबराते हैं। यदि आप देखिए रोमियो का किताब 8:37 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में कहता है कि और जो उससे प्रेम करते हैं हर एक बातों में वो जयवंत होते हैं। आमीन। जो खुदा से प्रेम करते हैं, जो खुदा के साथ में आपने मन लगाया हुए हैं, उस परमेश्वर हर एक चीजों में वो जयवंत से बढ़कर परमेश्वर अपने बच्चों को करता है। इसलिए आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में भरोसा करना है, उसकी ओर आपने आंखें लगाना है, और परमेश्वर आपको और मुझे हिम्मत और ताकत देता है। व्यवस्था की किताब उसकी 31:6 में भी ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ओ प्रभु कहता है कि तुम दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा ना हो, ताकि परमेश्वर कहता है कि तुम हिम्मत बात, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 31:6 में मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, तुम हियब्बान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा और कभी भी ना छोड़ेगा, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखे रहते हैं। और यहोशू की किताब 1:9 में भी यही बातें परमेश्वर बार बार बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें क्या अधिकार नहीं दिया गया है, दृढ़ हो जा, हिम्मत बन, जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, परमेश्वर का ये दावा वचन है। सो आज आपको और मेरे मुझे परमेश्वर के वचन में अपने आंखें लगाना है, और परमेश्वर के बल में, परमेश्वर के ताकत में हमें हर दिन खड़े हो रहना है, और जब हर परमेश्वर के वचन में हर दिन खड़े हो जाता है, परमेश्वर हमें शैतान की हर एक युक्तियों से हमें खड़े होने का और मजबूत बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर आपको और मुझे देता है। सो ये वचन है, और ये सुबह में मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, और परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी परमेश्वर में बलवंत होते जाए, और आपका जीवन, आपके परिवार, आपका काम परमेश्वर में सफल होते जाए। ये तभी होती है जब हम परमेश्वर में अपने आंखें लगाते हैं, परमेश्वर में हम बने रहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।